दो किस्म के वायरस ने तबाही मचा रखी है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोरोना वायरस चल रहा है और उसकी बुनियाद हमें अभी नहीं मालूम हुई, अभी रिसर्च हो रही है। इतना जरूर मालूम है कि वुहान से वो शुरू हुआ था और विश्व में फैल रहा है, और एक वायरस यहां चल रहा है। ये ऐसा कम्युनल वायरस है, वो तेजी से बढ़ावा उसको मिल रहा है, और इतना तो हमें मालूम है कि इसकी जड़ क्या है और कहां से आती है, इस बात का तो हमें मालूम है। और अब गंभीर बात यह है कि दो, अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो अच्छा रहेगा सर जी, मैं आपकी तरफ ही देखा। गंभीर बात यह है कि जब ये वायरस फैल रहा था तो इसका साथ कौन दे रहा था? और गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने फुटेज भी देखी होगी। एक ऐसी फुटेज है जहां के पुलिसकर्मी खुद कैमरा तोड़ रहे हैं, खुद सीसीटीवी कैमरास तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं ये तो सभी को मालूम है, इसलिए तोड़ रहे हैं कि जो भी दंगा और फसाद कर रहे हो उनका एविडेंस सामने नहीं आए, उनके बेनिफिट के लिए तोड़ रहे हैं निश्चित रूप से। और साथ साथ में जो हिंसा हो रही थी उसका साथ भी दे रहे हैं। एक ऐसा हादसा एक और सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी एक जख्मी इंसान को लाठी के साथ उसको मुंह पे मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं तू बोल जनगण मन गा, मर गया उनमें से, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये सब भी हमने देखा। मरवा के खिलवाना है आपको, इसमें मत बोलिए। और आपको मालूम है कि 24 फरवरी को 144 लागू हो गया, और लागू होने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। और जब पुलिस को पूछा गया, और भड़काऊ जो भाषण हुए उसके बारे में भी पूछा गया, कोर्ट ने पूछा, एक न्यायाधीश ने पूछा कि आपको मालूम है कि ऐसे ऐसे भाषण हो रहे थे और ऐसी इमेजेस दिखाई जा रही थी, तो पुलिस ने कहा नहीं हमें कुछ नहीं मालूम, हमने तो देखे ही नहीं। और असलियत यह थी कि फिर न्यायाधीश ने कहा मैं आपको दिखाता हूं, सारी दुनिया को मालूम था कि दिल्ली में क्या हो रहा है, और पुलिस कर्मियों को मालूम नहीं था, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मालूम नहीं था, मालूम नहीं गृह मंत्री जी को मालूम था या नहीं बताएंगे हमें। अब एक जब लोग जख्मी हो रहे थे कि एक प्राइवेट अस्पताल है अल हिंद अस्पताल, वहां से लोग वहां जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो सरकारी अस्पताल नहीं है तो एमएलसी वहां से इश्यू नहीं हो सकता, और पुलिस कुछ कर नहीं रही थी क्योंकि वो जो जख्मी लोग थे उनको एक गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाना था, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। तो 2 बजे रात को एक न्यायाधीश ने सिटिंग की, क्या आप इतना तो कर दीजिए। उसके बाद कहीं उनको वहां से जाने दिया, सहूलियत मिली और वो एक गवर्नमेंट अस्पताल में गए। अब इस बात का तो हमें मालूम है कि दिल्ली में जब जो जितने पुलिस कर्मी हैं वो लगभग 87,000 हैं, इतने कर्मियों के होते हुए भी दंगे रुक नहीं पाए। और मुझे तो ताज्जुब है कि गृह मंत्री जी ने एक पीआईबी की रिलीज हुई थी 5 बजे शाम को 25 फरवरी को, और उसमें कहा गया कि प्रोफेशनली हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो सारी जो हादसा हुआ है वे स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, ये पीआईबी की रिलीज है, मैं आपको पढ़ा के पढ़ भी सकता हूं सदन में। और कल गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि नहीं नहीं ये तो साजिश थी, ये तो कंस्पिरेसी थी। तो 25 फरवरी को तो स्पॉन्टेनियस था और कल लोकसभा में कंस्पिरेसी हो गई, ये बदलाव कैसे आया? अब कह रहा जा रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश से आए, तो इतना तो साफ जाहिर है कि पुलिस
जो हिंसा करवा रहे थे, कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। और उसका नतीजा क्या हुआ? कैसे कैसे लोग, बेकसूर लोग मारे गए, जिनका कोई दंगो फसादों से लेना देना नहीं। एक 85 साल का बूढ़ा, उसको तीसरे फ्लोर पे जाकर उसको जला दिया गया। 85 साल का बूढ़ा, उसको क्या लेना देना है दंगों से। एक 22 साल का लड़का, वो सुबह जा रहा था दो लोगों के साथ, और ये फरवरी 26 की बात है, जब गृहमंत्री जी ने कहा कि 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ, तो मैं 26 फरवरी का ही वाक्य बता रहा हूं। तो वो मोटरसाइकिल के साथ दो और लोगों के साथ जा रहा था, और करावल नगर में, तो वहां रोका गया उसको, बोला कि तुम बताओ कौन हो, तुम्हारा रिलीजन क्या है। तो चुप रहा, फिर उसके कपड़े उतारे गए, फिर उसको मार दिया गया। ये दिल्ली में हो रहा था। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने गुरुग्राम में एक सुपरिंटेंडेंट की, पुलिस कर्मियों की बैठक में कहा कि कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, ये उनका कर्तव्य है, और लागू करना पुलिस का कर्तव्य है, और जहां पुलिस उसको लागू नहीं करती तो लोकतंत्र पे एक धब्बा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा, शायद गृह मंत्री की तरफ, शायद उसका, शायद आपके बारे में कुछ कह रहे थे, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। एक मोहम्मद अख्तर को, उसका सारा घर जला दिया गया। और एक सबसे दर्दनाक जो कहानी है, वो एक बूढ़े की है, जो अपनी कुर्सी में मंजी पे बैठा हुआ था, चारपाई पे बैठा हुआ था, और उसको दंगाई उसके पास आए और उसको मारा। तो उठा, उसको दोबारा मारा, तीसरी बार उठा, दोबारा मारा, फिर उसको बाहर निकाल दिया गया और उसको जला दिया गया। और जलने के बाद केवल उसकी एक टांग बची थी। तो उसका जो, उसकी जो बेटी थी गुलशन, उसका जो खावंत था, उस बेचारे की आंखों पे एसिड गिर गया था, वो पहचान भी नहीं पाया। उसे सुनता रहा कि क्या हो रहा है। और जब अस्पताल में लोग गए तो उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि अब बताइए, डॉक्टर ने कहा कि ये कैसी, ये किसकी लाश, आप कैसे कह सकते हो कि आपका बाप है। तो बोला, इस लेग में ना उसका एक घाव था। तो बेटे सानी लॉ ने घाव पे हाथ रख के कहा, हाँ ये मेरा ही। ये तो दिल्ली में हो रहा था गृह मंत्री जी। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? किसी ने बहस के बीच में नहीं बोला है। वो लोग आज कह रहे हैं, गंभीरता से, आज जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि किसका सहारा दूं, किसका सहारा लूं, कानून तो हथियार बन गया है, किसका सहारा लूं, कानून तो हथियार बन गया है, अब तो शहर में बेकसूर भी गुनहगार बन गया है, शहर में बेकसूर भी गुनहगार बन गया है। चल रहा था बेफिक्र होकर घर की सड़क पे, मैं उसी सड़क पे हिंसा एक त्योहार बन गया। यह है असलियत दिल्ली की, जहां कभी दंगे नहीं होते थे। और ताज्जुब की बात गृह मंत्री जी यह है कि नॉर्थ ईस्ट की जो टोटल जो आबादी है वो लगभग 22 लाख है, 22 लाख आबादी है, 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूं, उसमें 68% हिंदूज हैं और 29% मुस्लिम्स हैं। और जो मेरे पास आंकड़े हैं, लगभग 53 लोगों की मौत हुई है, उसके 44 के तो मेरे पास आंकड़े हैं, उनमें से 32 लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और 12 लोग दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये हिंसा का नाच क्यों हो रहा था? वो वायरस की वजह से हो रहा था, किसी और वजह से नहीं हो रहा था। और फिर ये वायरस फैलाया किसने? ये वायरस उन्हीं लोगों ने फैलाया जो भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि जो भाषण दे रहे थे उनके ऊपर आज तक FIR क्यों नहीं हुई? गृह मंत्री जी को मालूम होगा कि
under article, under section 153A of the Penal Code. And it says, whoever knowingly carries arms, whoever commits an offence specified in subsection 1 by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religions, racial language or religious groups, usko 3 saal ki saza ho sakti hai. और ये तो कॉग्निटिव ऑफेंस है जो कह रहा है कि देश के गद्दारों को और जनता कह रही है. मैं कुछ बात नहीं कहना चाहता. वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है. इसमें एफआईआर की देरी क्यों? उन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं आपने दर्ज की? और जब न्यायाधीश ने पूछा तो आपके एक सोलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि उसका वक्त अभी नहीं आया. इट इज नॉट एन ऑपर्चून टाइम टू फाइल एन एफआईआर. कोई एफआईआर का भी ऑपर्चून टाइम होता है? जरा हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा लॉ वॉ सीख लें. द मोमेंट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड एन एफआईआर हैज टू बी लॉज्ड. दिस इज अ लाइसेंस टू किल. दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग इन दिल्ली. एंड द होम मिनिस्टर मस्ट टेल अस कि एफआईआर आज तक लॉज क्यों नहीं हुई. हाउस में बैठे एक आपका सदस्य कहने लगा कि अगर शहीन बाग के लोगों, जब ये बाद में क्या होगा कि यही लोग आपकी हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे, आपको मार देंगे. ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है अंडर 153A. तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर की? क्योंकि आपके पार्टी के लोग हैं वो, इसलिए नहीं कर रहा. हर्ष मंदर के साथ तो एफआईआर हो गई, लेकिन जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए उनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई. और एक आपका पार्टी के शख्स है, वो कहता है कि भाई जाफराबाद के नीचे जो मेट्रो के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, चांदबाग में भी जो बैठे हुए हैं, अगर वो 3 दिन में उनको वहां से निकालोगे नहीं तो हम सड़कों पे आकर कुछ करेंगे. तो ये भड़काऊ बयान नहीं है. अगर आप वाकई में इस वायरस को कंट्रोल करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप करोगे नहीं, क्योंकि ये वायरस फैलाना चाहते हो. और मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर ये वायरस युवा लोगों के मन में बैठ गया ना तो न आप रहोगे न हम रहेंगे और न लोकतंत्र रहेगा. लिख लो इस बात को. हमने कई बार कई जगह इस बात को देखा है जो फसाद होते हैं. और देखो, ताज्जुब की बात यह है कि एक हमारे कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को हिरासत में कर लिया. क्यों किया? कि अगर वो उनको रिहा किया जाएगा तो शायद दंगे फसाद हों, शायद दंगे फसाद हों. तो उनको 107 के अंदर उनको 6 महीने के लिए हिरासत में रखा. उमर अब्दुल्ला को रखा, महबूबा को रखा, फारूक साहब को रखा, क्योंकि हो सकता है कि अगर उनको रिहा किया जाए और अगर कोई बयान दे दें तो दंगे हो सकते हैं. और उसके बाद जब 6 महीने खत्म हुए 107 के, तो पासा लगा दिया, 1 साल के लिए पासा लगा दिया. तो उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिए थे, उनको हिरासत में कर लिया. यहां तो बयान देने वालों को आपने एफआईआर नहीं की. आपकी सोच क्या है, आपके मन में अंतर क्या है, आपकी विडंबना क्या है, मैं नहीं जानता. लेकिन इतना जरूर है कि आप तो एक लॉ पुरुष हैं, सरदार पटेल की जगह पर बैठे हुए हैं गृहमंत्री जी, कुछ तो ख्याल कीजिए अपने सरदार का. उन्होंने कभी नहीं चाहा होगा कि इस तरह से लोगों की हत्या और मासूम लोगों की हत्या हो. सर, और गजब की बात यह है कि गृहमंत्री जी, आप तो खैर बहुत बिजी थे क्योंकि ट्रंप साहब आ रहे थे, एंड व्हाइल द सेलिब्रेशंस ऑफ ट्रंप वर बीइंग कोरियोग्राफ्ड and were shown on TV channels on half the screen, on the other half screen the choreographed violence was being shown. Both were choreographed. And where were you? Because he was busy in Ahmedabad.
आप तो यहां भी पहुंच गए थे, आपने तो कोई बयान नहीं दिया, आपने तो जनता को, देश की जनता को संबोधित नहीं किया। आप इतना तो कह देते कि जो ऐसे दंगों फसाद में कोई हिस्सा लेगा उसको हम कड़ी से कड़ी, हमें होने नहीं देंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि पुलिसकर्मी अपने आप ये नहीं कर सकते थे, कहीं ना कहीं से तो उनको इशारा मिला होगा ना कि आप करो, हम उस तरफ ध्यान नहीं रखेंगे। मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं नहीं, कांग्रेस के टाइम में बड़े दंगे फसाद, मुझे मालूम है आप जवाब क्या देने वाले हो। आप बात इतिहास की करोगे, कांग्रेस की करोगे, आप दिल्ली के दंगों की बात नहीं करोगे। और मैं आपको यह भी आज आश्वासन देना चाहता हूं, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। आपने SIT तो बिठा दी, आपने SIT तो बिठा दी, लेकिन पीड़ित लोग को अक्यूज्ड बनाया जाएगा और जिन्होंने फसाद किया उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। हमने कई बार ऐसी बात देखी, कई बार हमने देखी है बात। गृह मंत्री जी आपको यह भी मालूम है कि वहां एक नर्सिंग होम है कॉल्ड मोहन नर्सिंग होम। मोहन नर्सिंग होम में लोग छत पे चढ़ गए और 3 बजे मोहन नर्सिंग होम का मालिक कहता है कि भाई हमें बाहर जाना पड़ा क्योंकि दंगे फसादी ऊपर आ गए थे और छत पे चढ़ गए, और छत पे वो मास्क हेलमेट लगाए हुए थे ताकि उनको कोई पहचान नहीं पाए, और वो राइफल से गोली चला रहा था नीचे। अब ये इमेज तो आपके पास है, आपने किसको पकड़ा? जो आप टेक्नोलॉजी की इमेजरी की बात करते हैं तो आपने उसको पकड़ा? वो जो साथी थे वहां बैठे हुए थे उनको पकड़ा? आपने मोहन नर्सिंग होम के मालिक से पूछा कि तुमने FIR की कि मेरे यहां दंगाई आ गए हैं, आप कुछ करिए? आपने कोई कार्रवाई की? नहीं की, और करेंगे भी नहीं आप। और ये जो लोग आ रहे थे क्या कर रहे थे? ये जो उज्ज्वला स्कीम है ना आपकी, उसके द्वारा जो सिलेंडर मिल रहे थे ना, वो घरों में फेंक रहे थे, जला रहे थे। ये उपलब्धि है। पेट्रोल पंप पेट्रोल बोतलों में डाल के जला रहे थे, और पहले पहले लोगों को डरा के भगा रहे थे, फिर उसी जगह उसी घर में लूट रहे थे, लूटने के बाद जला रहे थे, और ये दिल्ली में हो रहा था और प्रधानमंत्री 70 घंटे के लिए चुप थे। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों आप बर्बाद कर रहे हो इस देश की संविधान को? आपको मैं एक छोटी सी बात, शायद अच्छा लगेगा आपको, कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक लिखित है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें लिखा गया है 51A टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की। तो ये हो रहा था, दे वर स्प्रेडिंग ब्रदरहुड, एम्ब्रेसिंग कम्युनल हार्मनी। एक मिनट, 5 मिनट, क्यों अभी तो 4 घंटे का डिस्कशन हो गया ना, सो आई कैन, समय रिवाइज कर दिया गया है, सॉरी, समय को रिवाइज, तभी मैंने कहा ना 5 मिनट में और बोल सकता हूँ, अभी तो मुझे हुए हैं, नहीं नहीं, फिर आनंद शर्मा जी 15 मिनट हुए हैं ना, उनका समय जाएगा, चला मुझे बोल दीजिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, दैट्स द फंडामेंटल ड्यूटी, एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन Article 48 जिसमें लिखा है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सही बात है। लेकिन आप गाय की प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, मानव की प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर सकते। क्या हम एक और आर्टिकल लाना पड़ेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में? क्या गाय की प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन लाइव्स? आपने कभी इस बात के बारे में सोचा? बहुत दुख की बात है। और हुआ यह है कि देर इज अ मैसिव इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, लोग घर बार छोड़ के चले गए, घर बार छोड़ के चले गए। और मैं, असलियत यह है कि जो 7 या 8 या आपने कहा कि 12 पुलिस स्टेशन है, वहां FIR नहीं दर्ज हो रही,
आप ये सदन को बताइए कि कितनी एफआईआरें दर्ज हुई इस बीच, क्योंकि अब तो 12 मार्च हो गया है और आखिरी दंगा मेरे ख्याल 29 फरवरी को हुआ। इस बीच कितनी एफआईआरें दर्ज हुई? मेरे पास एक जानकारी है, मैं आपको देना चाहता हूं, वो यह है, बड़ा ताज्जुब की बात है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज करता है, और ये मेरे पास एक एफआईआर नंबर 80 है, और अगर दूसरा आदमी आकर कहता है कि साहब मेरी एफआईआर दर्ज करो क्योंकि मुझे तो मालूम था कि इसने मुझे मारा, तो वो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, वो उसकी पर्ची साथ में 80 में लगा देता। मेरे पास ऐसे एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल है जहां लोग एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उनको मालूम है कि किसने दंगा किया, उन्हें मालूम है किसने फसाद किया, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। आप प्लीज मत होने दीजिए ये, क्योंकि आप तो कहते हैं सबका विश्वास सबका साथ, और कहीं ऐसा ना हो कि वो सबका विश्वास आप जो चाहते हैं आप ही पे ऊपर विश्वास उठ जाए। हम नहीं चाहते, हमारी सरकार है, वो विश्वास हम चाहते हैं कि बरकरार रहे। आनंद जी का समझ जा रहा है, मैं नहीं जानता। एक मिनट, कुछ भी कर ले हिसाब तो वही रहेगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना गंभीर है, इसमें समय बढ़ा देना। मैं गंभीर हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बड़ा हो समय तो बढ़ाना चाहिए, कि आपने जो बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने जो बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक की वो सही किया, लेकिन अपने लोगों पे ऊपर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करते हो भाई साहब? हमें तो छोड़ दो, देश की जनता को तो छोड़ दो। और ये जो लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो अपने ऊपर मास्क लगाते थे, जो पहचान नहीं पा, सब तोड़ रहे थे, सीसीटीवी सब तोड़ रहे थे ताकि किसी को पता नहीं चले, तो उनको उनको तो उनकी उनको तो बोलो यार मत सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी ही जनता को के ऊपर, छोड़ दो ये। मैं आप आखिरी में आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये देश एक महान देश है, एक संविधान भी एक महान संविधान है, और अगर हम इकट्ठा हाथ मिलाकर चलेंगे ना तो कुछ ना कुछ हम पाएंगे। लेकिन असलियत तो ये है कि हम इकट्ठा नहीं चल रहे। और मैं अपने साथियों को भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि आप भूल जाएं, अपने घर की कंफर्ट को हम भूल जाएं, भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संघर्ष हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरस आप फैला रहे हो उसकी दवाई हम ही हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, देखिए बाबा आप करते जाइए, मैं आपको एक बात बताऊं, बिन खौफ के जब मैं चलने लगा हवा का रुख भी बदलने लगा। चलिए शुक्रिया, वो रुख बदलेगा, और मैं अपने सहयोगी दलों से कहना चाहता हूं हम वो रुख बदल के रहेंगे, और हम आपको इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।